हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम सभी के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको खाने की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप दोबारा गर्म करके खाते हैं तो वह आपके शरीर को कई तरह की गंभीर बीमारियों के जाल में फंसा सकती है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गर्म गर्म खाना खाने के शौकीन हैं, क्योंकि गर्मा गर्म खाना खाने से जो मजा आता है वो ठंडे खाने के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजेदार होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार गर्म गर्म खाना खाने के चक्कर में आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप दोबारा गर्म करके खा लेते हैं तो वे शरीर में जहर के समान काम करती हैं। फ्रेंड्स, हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने कामकाज के चलते अपने घर से बाहर रहते हैं, जिसके चलते वे पूरे दिन का खाना एक बार ही बना लेते हैं और फिर गर्म गर्म खाने के चक्कर में उसे दोबारा गर्म कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आप भी इन्हीं में से एक हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको दोबारा गर्म करके खाने से आपके शरीर को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रेस करें इस बेल आइकॉन पर, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जिन 6 चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनमें सबसे पहले आती है तेल। फ्रेंड्स, तेल हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है और फायदेमंद भी होता है। अगर हम तेल को सिर्फ एक बार ही गर्म करके इसका प्रयोग करते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन जिन लोगों की रूखी त्वचा या जिन्हें दाद खुजली जैसी समस्याएं रहती है, उनके लिए तेल और भी ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन कई बार हम तलने वाला खाना जैसे समोसे वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम तेल का प्रयोग ज्यादा कर लेते हैं और बचे हुए तेल का दोबारा प्रयोग करने के लिए रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स, बचे हुए तेल को जब हम दोबारा गर्म करेंगे तो उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिससे आगे चलकर कैंसर और अल्जाइमर जैसी घातक बीमारियों का खतरा हो सकता है। इसके बाद है अंडा। फ्रेंड्स, अंडे के फायदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अंडे के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यह हमारे शरीर की हड्डियों से लेकर बाल, नाखून और मसल्स का तेजी से विकास करता है। और फ्रेंड्स, इसमें चाहे कोई भी हो, सबको गर्म गर्म अंडे खाने पसंद होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ऐसी नौबत आती है कि अंडे को दोबारा गर्म करना पड़ता है और बहुत से लोग इसे दोबारा गर्म करके खा लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अंडे को दोबारा गर्म करके खाने से इसके अंदर जो प्रोटीन है वो जहर के समान हो जाता है, जिसके कारण पेट की समस्या, उल्टियों की समस्या हो जाती है। तो आगे कभी भी अंडे को दोबारा गर्म करके ना खाएं। इसके बाद अगला जो फूड है वो है आलू। फ्रेंड्स, आलू का प्रयोग सबसे पहले सब्जी के रूप में किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम आलू को एक बार गर्म करने के बाद दोबारा गर्म करके खाते हैं तो इससे हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? फ्रेंड्स, आलू को दोबारा गर्म करने पर इसके अंदर बॉटुलिज नाम का एक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, जिससे इसका हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसको दोबारा गर्म करके खाने से पेट दर्द की समस्या और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है। इसलिए आलू को कभी भी दोबारा गर्म करके ना खाएं। अगला जो फूड है वो है पालक। फ्रेंड्स, पालक एक ऐसा फूड है जिसे हम सीधी भाषा में लोहा भी कह सकते हैं। लोहा यानी आयरन। पालक हमारे शरीर में एक जड़ी बूटी की तरह काम करती है। इसके अंदर पाया जाने वाला आयरन शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर किसी चीज के कुछ फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। इसी प्रकार जब हम पालक को दोबारा गर्म करते हैं तो इसके अंदर मौजूद नाइट्रेट ऐसे तत्व में बदल जाता है जिससे कैंसर होने की संभावना हो सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप पालक को दोबारा गर्म करके ना खाएं। इसके बाद अगला फूड है चिकन। फ्रेंड्स, चिकन से हमारे शरीर को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। इसके अंदर बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि चिकन को बनाने के बाद उसे फ्रिज में रख देते हैं, जिससे वो ठंडा हो जाता है और फिर उसे बाद में गर्म करके खाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने से इसके अंदर मौजूद प्रोटीन कंपोजिशन पूरी तरह से बदल जाते हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है, जिसे खाना पचाने की शक्ति कमजोर हो जाती है। अगला और लास्ट फूड है मशरूम। दोस्तों, मशरूम को काटने के बाद से ही उसमें मौजूद पोषक तत्व कम होने लगते हैं,
ऐसे में उसे पकाते ही खा लेना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद हो रहता है। इसे एक बार पकाने के बाद फिर से गर्म करके बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मशरूम को दोबारा गर्म करके खाने से पेट खराब होने की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 6 फूड जिनको हमें कभी भी दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।